गांडी की मोहनपुर गांव में बुधवार को झामुमो की एक बैठक की गई, जिसमें झामुमो जिला महासचिव महालाल सोरेन, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष चांद मल मरांडी, राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के प्रदेश महासचिव मोहम्मद आलम, बीसूत्री प्रखंड अध्यक्ष धूपदेव पंडित, उपाध्यक्ष डोकीडी पंचायत के मुखिया अकबर अंसारी, मोहम्मद जाकिर हुसैन, मोहम्मद शमशेर, पूर्व जीप सदस्य बबली मरांडी, झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रखंड सचिव समीम अख्तर, प्रेमचंद्र मुर्मू, रामजीत मुर्मू, विष्णु किस्कू, नसीम अंसारी, मुफ्ती मोहम्मद अख्तर, पूर्व मुखिया मसरुद्दीन अंसारी, मोहम्मद अल्ताफ मोहम्मद अख्तर, इरशाद अंसारी, अनवर अली, हलीमुद्दीन अंसारी, नाजिर हुसैन, बेंगाबाद से अब्दुल वाहिद खान, मोहम्मद फकरुद्दीन, मोहम्मद इनामुल हक, उप मुखिया मोहम्मद मोकिम अंसारी, मोहम्मद शमशेर, गोपिन मुर्मू सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता समेत दर्जनों अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भाग लिया। बैठक का नेतृत्व जाकिर हुसैन एवं संचालन राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के प्रदेश महासचिव मोहम्मद आलम ने किया। इस मौके बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद पहुंचे, जहां लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ फूलमाला पहनाकर व गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। वहीं इस दौरान विगत 21 मार्च को पूर्व मुखिया प्रतिनिधि साकिर हुसैन के नेतृत्व में गिलड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के हाथों पार्टी पट्टा पहनाकर भाजपा में शामिल हुए दर्जनों अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में से हारून, सरफराज, इम्तियाज, मुस्तकीम, मुमताज समेत 10 लोगों ने घर वापसी करते पुनः झामुमो के सदस्यता ग्रहण की। वहीं गांजी के मोहनपुर, डोकीदी, चंपापुर, महेश वर्मा, मंडडी सहित आसपास के अन्य गांवों के कई अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने झामुमो पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम को गोपिन मुर्मू, बबली मरांडी, अकबर अंसारी, ध्रुवदेव पंडित, चालमन मरांडी, महालाल सोरेन ने भी संबोधित किया। डोकीडी पंचायत के हमारे जो कुछ साथी कुछ किसी कारण इधर उधर थोड़ा पिछले हफ्ते चले गए थे, उन लोगों से बातचीत करके आज वो लोग पुनः अपने घर में आ गए हैं और हम लोग के साथ शामिल हो गए हैं। हम लोग देखिए अध्यक्ष जी हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, जिला परिषद हैं, ये महामंत्री हैं और बाकी सब लोग हैं। इन लोगों के समक्ष सब लोगों ने आकर के माला पहना है और पट्टा पहना और पार्टी में अपनी निष्ठा के साथ वो लोग आगे काम करने के लिए तैयार हैं। निश्चित रूप से हमारी दल की नेत्री और इस क्षेत्र के जो उम्मीदवार हैं वो कल्पना मैडम हैं, कल्पना सोरेन जी हैं, हेमंत बाबू की जो पत्नी हैं, वो इस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी और हम लोग सब लोग मिलकर के उनको सारे गठबंधन के नेता लोग, सारे कार्यकर्ता लोग और जो कम्बिनेशन हमारा है, हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक वोट से उन लोगों उनको हम लोग यहाँ से जिता कर देंगे। मेरे द्वारा जो कुछ अधूरे काम बचे हुए हैं इस क्षेत्र के विकास के लिए, निश्चित रूप से चूँकि एक साल पहले हमने इस्तीफा दे दिया है, उन सारे कामों को वो पूरा करेंगे बल्कि और अधिक काम करेंगे। इस बात से मैं आश्वस्त हूँ।